कि आपको विकास मंदिरों मस्जिदों में चाहिए या आपको विकास इन चीजों के झगड़ों में चाहिए या आपको विकास शिक्षा से चाहिए। आपको विकास चाहिए इंस्टीट्यूशन से, बढ़िया इंस्टीट्यूशन जहाँ पे शिक्षा सस्ते दामों में मिले, जहाँ पे हर गरीब आदिवासी का बच्चा पढ़ सके, जहाँ पे किसी को ये ना हो कि कोई ये सोचे अगर गरीब 100 रुपए दिन के कमा रहे हैं, रात को सुबह कुआं खोदता और शाम को पानी पीता है, वो क्या खाएगा और क्या पिएगा और क्या पढ़ेगा और क्या उसका परिवार हेल्थ फैसिलिटीज यूज करेगा अगर बीमार पड़ जाएगा तो मुझे लगता है कि जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपका भला है तो आपका भला है। ऐसी चीज़ों की डिमांड करें, मूर्खता में मत जाएं, मंदिर मस्जिदों के झगड़ों में मत फंसे, इंस्टीट्यूशन मांगे, अपने बच्चों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा रोजगार मांगे। इस चीज़ में भला है देश का, इन चीज़ों में भला नहीं। फिड़े मुँह उनके बदतमीज लोग, जिन लोगों को इतना पता नहीं है कि वो मोदी जी ने जो कानून वापस लिए ना, वो इसलिए वापस लिए कि चेहरा छुपाने को नहीं था, वो इसलिए वापस लिए जो उपचुनावों में हार हो रही थी। मोदी जी और भाजपा को देश से प्यार नहीं है, जनता मरे, किसान मरे, देश बॉर्डर पे जवान मरे, कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ सत्ता से कि किसी तरह से भी मेरी कुर्सी बची रहे, इलेक्शन से मतलब है क्योंकि इलेक्शन सर पे है। आप मुझे बताएं, इस सवाल का जवाब आप पत्रकार दे, जब इलेक्शन नहीं थे तो बिल आ गए, इलेक्शन आई तो बिल वापस चले गए, उपचुनावों में हार हुई, बाय इलेक्शन में हार हुई तो बिल वापस हो गए, पहले बिल वापस क्यों नहीं हुए। तो क्या जनता मूर्ख है? जनता देख रही है। और किसानों को जिस तरीके से उनके बिलों का अगेंस्ट जो एजिटेशन, जो प्रोटेस्ट हुए थे, वर्ल्ड वाइड हुए थे, वैसे ही किसानों को वर्ल्ड वाइड पूरे नेशन ने सपोर्ट किया है, पूरे नेशन ने देखा है। और सबसे बड़ा किसान आंदोलन का रिजल्ट ये है, जागरूकता। आगे ये आंदोलन नहीं है भाई साहब, किसान आंदोलन के बाद आंदोलन वेट कर रहा है प्राइवेटाइजेशन पे, जो इस देश को खत्म कर देगा, पूंजीवाद। जी मैडम, आज बॉर्डर पे आखिरी दिन है, किसान आज यहाँ से विदाई कर रहे हैं, आप भी मौजूद हैं, क्या कहोगे? देखिए, कहने की बात ही नहीं है, इतनी मतलब इतना हार्ट ब्रोकन हम लोग फील कर रहे हैं, रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, रिकॉग्नाइजिंग द फैक्ट कि हमारे किसानों ने एक ऐसी तानाशाह सरकार को झुकाया है और उस वजह से आज ये आखिरी आंदोलन यहाँ पे है, आखिरी दिन है हमारा। ये भी याद रखते हुए कि दिल्ली को जीता और ऐसे अहंकारी को झुकाया और दिल्ली का दिल जीत कर साथ लेकर जा रहे हैं। बहुत लोग भावुक हो रहे हैं यहाँ से जाते हुए, बहुत ज़्यादा। और हम लोग तो आपको पता ही, आप लोग डे वन से कवर कर रहे हैं और हम लोग तो लिटरली एक्साइटमेंट में ऐसे थे सुबह कि इससे पहले ऐसा ना हो कि जत्था जो है, जत्थेबंदियाँ या जो लोग हैं वो चले जाएं, फटाफट जाके मिलते हैं और देखते हैं क्या माहौल है। और कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसकी आंखें नम नहीं है, इवन कि वहाँ पर जो बच्चे हैं, क्योंकि किसानों ने क्या किया कि जो भी उनका जैसे टेंट किसी का रहा या बैम्बूज हैं या गद्दे हैं या बिस्तर हैं, वो सब यहाँ पर लोकल को बांट के जा रहे हैं कि कोई भी, जैसे वो बच्चों के लिए क्या था, यहाँ पर रेगुलर आना जाना था, रहना था, खाना था, तो वो उनको देख के जा रहे, दे मेक श्योर कि उन बच्चों को अब वो चीज़ की कमी महसूस ना हो कि लंगर में आ रहे हो, लंगर फ्री खा रहे हो, बैठ रहे हो, खाना पीना खा रहे हो, क्योंकि मोदी सरकार के रहते हो, आप मोदी से तो उम्मीद कर नहीं सकते कि आपको 2 निवाले का 1 निवाला भी आराम से एक दिन में दे दे खाने को। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए, शायद उन बच्चों ने इतने टेस्टी पकवान भी नहीं खाए होंगे जो उनको यहाँ पे मिलते थे लंगर में। सो ये ऑफकोर्स एक ऐसी ऐतिहासिक जीत है और एक ऐसा ऐतिहासिक लम्हा है जो एक साल में किसी ने नहीं देखा होगा। नहीं, यहाँ के लोगों तो दिल जुड़े, लेकिन जो आसपास के यहाँ सफाई कर्मी है, जो यहाँ खाना खाते हैं, वो भी बड़े दुखी हैं। सब मैं यही कह रही हूँ आपसे, क्योंकि आप देखो कि किससे कोई, हर कोई ये आपसे कहेगा कि हमें जितना प्यार यहाँ मिला ना, किसानों ने जितना प्यार दिया, उतना प्यार किसी ने नहीं दिया। अभी मैं यहाँ पे नीचे 2-3 लोगों से बात कर रही थी, तो मेन मीडिया के चैनल भी आए हुए हैं यहाँ पे, जो कि गोदी मीडिया ना, जो गोदी में बैठे रहते हैं मोदी की, उनसे वो अब आके यहाँ पे चीलकों की तरह लगे हैं सवाल पूछने लोगों से, कैसा फील हो रहा है। फिटे मुँह आपके, हम तो ये जानना चाहेंगे आपको कैसा फील हो रहा है, जो कल तक कहते थे ये आतंकवादी है तो नकली किसान है, अब जाकर देखो ये आतंकवादी है। अब तुम इन्हीं किसानों को कवर कर रहे हो जो जीत के जा रहे हो, जो सर उठा कर जा रहे, तो ये बहुत अचीवमेंट की बात है। और जैसे कोई भी इंसान, अगर आपने यहाँ देखा, स्कैवेंजर, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हो, चाहे वो गरीब बाहर पटरी पे बैठ के सोते हो, वो यहाँ पे आते हो, रैन बसेरा की तरह यहाँ पे रह रहे हो एक साल से, हर कोई दुखी है। क्यों जा रहे हो? क्योंकि आपको इतना अटैचमेंट ऐसी इससे हो गया। अगर यही चीज़ मोदी जी करते ना रियल लाइफ में, वो खाना देते ना 4 निवाले, अच्छा यहाँ पे भी कैमरा है, 4 निवाले वो देते ना अगर खाने के लिए जनता को, तो जनता उनके गुनगाती। वो चीज़ जो मोदी जी ने नहीं की, वो देश का किसान कर रहा है, और देश का किसान एक रियलिटी आपको दिखा,
खिला कर गया है। माने क्या कि वो सिर्फ इन लोगों को नहीं खिला रहा, वो पूरे देश को खिला रहा था। आपको नहीं लगता किसानों ने लोकतंत्र को? मैं तो कहती हूँ किसानों के हाथ में सत्ता दे दो, आपको पता चल जाएगा किसान किस किस को बचाएंगे। लोकतंत्र देश सबको बचा देंगे। ये किसान जो देश का है ना, वो इसीलिए तो कहा जाता है ना कि किसान बॉर्डर इस बॉर्डर पर लड़ रहा था और इसका बच्चा असली बॉर्डर जो वहाँ पे था, जहाँ पे देश की सीमा है, वहाँ पे बैठ के लड़ते थे। इसीलिए मैं लिटरली कहती हूँ कि जो इंसान यहाँ पे जात पात के यू नो डिफरेंसेस को मिटा के कौन अमीर है कौन गरीब है कौन किस समुदाय से आ रहा है, बैठ के एक साथ एक कट्ठे होके आपको एक छत के नीचे खिला रहे हैं, तो सोचो इसका मतलब इंसान भूखा है ना। इसका मतलब ये है ना कि इंसान के घर पे चार निवाले नहीं है खाने को, जो यहाँ पे आकर खा रहा है वही दाल रोटी सब्जी यहाँ पे आप खाते हो ना जो घर पे। अगर आपको घर पे मिले फिर आप यहाँ पे बैठ के आके क्यों खाओ? आपको क्यों किसानों की याद आ रही? क्योंकि जो प्यार मोहब्बत जो एकत्व जिस तरह से आपने कहा कि लोकतंत्र दिखा दिया कि इस किसान आंदोलन ने औकात दिखा दी कि जनता की ताकत क्या है, कि जनता एक सेकंड जनता सरकार बनाती है, सरकार जनता को, सरकार नहीं बनाती देश को। अगर देश सही तरीके से लड़ा जाए तो किसानों ने बता दिया जीता जा सकती है। ऑफ कोर्स आज मुझे आपके सवाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो आज मुझे लग रहा है कि आप भी थोड़े भावुक हैं। पैन करो कैमरा आज मुझे ये किसानों की मौत हुई है अक्सर, ये बिल्कुल सही बात है। अक्सर ये जो पत्रकार ये सवाल ऐसे पूछते हैं कि जिसमें हमेशा हम भी सोचते हैं कि मतलब लिटरली हमें भी डिफिकल्टी होती है कि कहाँ से लेकर है, लेकिन आज ये इंसान भी भावुक है और आप लोगों का हाल भी अच्छा नहीं, क्योंकि आप लोग भी यहाँ एक साल से बैठे और आप लोगों ने भी देखा है कि इसे कहते हैं लोकतंत्र कर दे भाई। पैन कैमरा के हो गया, ले ले उसको अपने कैमरा में है। आप लोगों ने भी देखा कि लोकतंत्र की जब जीत होती है, जब जनता की जनता से ताकतवर कोई नहीं है इस देश में, और ये सिर्फ किसानों का आंदोलन था, ये जन आंदोलन था, इसने करके दिखाया, इसीलिए सब भावुक है। क्योंकि अभी ये मुद्दा नहीं है, किसान ही मुद्दे ने आपको ना संघर्ष करना दिखाया, पीसफुल प्रोटेस्ट करना दिखाया। आप देखो कि पीसफुल प्रोटेस्ट में और एक पेशेंस में कितनी बड़ी ताकत होती है कि आज जीत के जा रहे हैं एक साल के बाद। उनको तो यही लग रहा था हार जाएंगे, थक जाएंगे, आंधी तूफान आएगी, चले जाएंगे। आपका सवाल भाई साहब, आपने कहा 700 किसान शहीद हुए, आहत है हम उस चीज़ की, 700 किसान शहीद हुए, उनकी उनका जो शहीदी का जिसे कहते हैं ना एक, आपने इतना बड़ा जब देश आज़ाद भी हुआ था तब भी इतने लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी आहुति दी, तब जाके देश आज़ाद हुआ, आज हम सिर उठा के चल पा रहे हैं। किसान खुश हैं जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल तो लेकर जा रहे हैं, क्या कि जिसके लिए आए हैं वो तो नहीं हो। वो हो जाएगा, आप विश्वास रखिए। अगर देश का किसान एक साल तक बैठ सकता है तो उसके लिए कोई चुनौती दूर नहीं है, क्योंकि किसान आंदोलन ने दुनिया को आंदोलन करना सिखाया। हम विश्वास करके जा रहे हैं क्योंकि हमने इतना तो झुकाया 3 बिलों का, एंड आई थिंक वो भी आई थिंक लीडर्स कैन टेल यू बेस्ट, उनका लिखित में कुछ चल रहा है और रिजल्ट विल बी इन फ्रंट ऑफ योर आईज वेरी वेरी सून। थैंक यू।